कूलिंग मतलब बढ़िया है, क्योंकि कंप्रेसर ओके था, क्लची सेट खराब था। और ये देखिए हमारा तकरीबन 30 पे है इसका लो प्रेशर, तो कंप्रेसर मेरा ओके है। मतलब इससे आपको लग सकता है दोस्तों कि कंप्रेसर हमेशा नहीं ख़राब होता है, क्लच सेट खराब होने की वजह से भी कंप्रेसर वर्क नहीं करता, जैसे इस गाड़ी में हुआ था। जय माता दी, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। दोस्तों ये देख लीजिए, ये कंप्रेसर हमने खोला है, सामने पड़ी है फोर्ड एस्पायर में से। और ये दोस्तों इको स्पोर्ट जो नई वाली आती है उसी में का कंप्रेसर है। कंप्रेसर में प्रॉब्लम ये कि देख लीजिए, ये पूरा सीज हो चुका है कंप्रेसर, हमने खोला है। एक्चुअली में इसका पहले बैरिंग का आवाज़ था, लेकिन अब कस्टमर चला दिए हैं उसी पे, तो ये पूरा सीज हो गया है। यहाँ तक कि गाड़ी खींच के आई है, क्योंकि गाड़ी ये बेल्ट जाम होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर रही थी। बेल्ट हमने जैसे उतारा गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो गाड़ी वहीं फड़ी है। अब देखिए इसको हम लोग खोलने वाले हैं पूरा, और चेक करेंगे दोस्तों कि क्या कंप्रेसर सीज हो चुका है या फिर सिर्फ बैरिंग के हिसाब से क्लच वलच सीज जला है। तो इसको चलिए खोलते हैं, पहले आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल में प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, जो कि लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, 10 नंबर का जो ऊपर का बोल्ट रहता है क्लच के ऊपर, उसी को हम लोगों को खोल लेना होता है। जैसे ही हम लोग खोलेंगे ये प्लेट बाहर निकल जाएगा, जैसे दो पेचकस की मदद से आपको इसको बाहर निकालना होता है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। और ये बुरी तरीके से टूट चुका है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। ठीक है, अभी देखिए मैं प्लेट निकाल लिया हूँ, इसमें वाशर लगा है वही निकाल देना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लॉक लगा है, ठीक है, ये लॉक निकाला, लेकिन बैरिंग का हालत देख लीजिए आप दोस्तों, बैरिंग किस तरीके से टूट गया है इसका पूरा इसमें। और इसी की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि बैरिंग पूरा जाम हो गया था, क्योंकि एक ही इंजन और एसी का बेल्ट सिर्फ सेम ही है इस वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों एक लॉक दिया रहता है, जो कि हम लोगों को ये पुली निकालने के लिए होता है। तो पुली पे अब हम लोग पुलर लगा देंगे, पुलर से निकाल के इसका पुली पूरा बाहर खींच लेंगे। जैसे कि आप ये देख लीजिए पूरा जाम है, घूम नहीं रहा है। तो अब देखिए पुलर से हम लोग इसको पूरा बाहर निकाल देंगे, मतलब इसको अभी बहुत गाड़ियों में ये होता है दोस्तों, हार्ड हो जाता है जाम, लेकिन इसमें नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो इजीली निकल गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके निकालने के बाद हम लोगों का जो मैग्नेट कॉयल है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों कि जब जाम हो जाता है और गर्म होता है बैरिंग, तो मैग्नेट कॉयल भी जल जाता है। अगर आप लोग समय रहते हुए बैरिंग का आवाज़ समझ के या जान के गाड़ी को बंद कर देते या चलाते नहीं हैं, तो दिक्कत नहीं करता, कॉयल वॉयल नहीं जलता, उस समय बैरिंग सिर्फ चेंज होता है। लेकिन दोस्तों इसमें गाड़ी कस्टमर ज़्यादा चला दी, हम उनको मना भी करने के बावजूद भी, तो वो इस वजह से पूरा जल गया है, क्लच वलच सब, प्लेट वलेट सब जल गया है, इसी में टूट गया है पूरा। तो इसको हम लोग निकाल के दोस्तों नया लगाएंगे, ओरिजिनल फोर्ड का, जो कि अभी ये इसको अच्छे से हम लोग फिर साफ भी कर लेंगे। आप देख लीजिए कॉयल पूरा बुरी तरीके से जल चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा लगाएंगे यहाँ पे। हमने कंप्रेसर इसका खोल लिया है, और वैसे बैरिंग पूरा टूट गया है, देख लीजिए। इसमें मुझे ऐसा लगा, शायद बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऊपर से ही देख के आप लोगों को बता देते हैं कि कंप्रेसर चीज हो गया है, बट ये देखिए कंप्रेसर इसका चेक करने का तरीका क्या है। इसको निकाल लीजिए, मैग्नेट कॉइल निकाल लीजिए, और ये प्लेट जो दिख रहा है, ये तो जो कि चेंज होने वाला है, इसको यहाँ पे लगा कर ये देखिए चेक कर लीजिए क्या ये कंप्रेसर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों पंपिंग भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ, इधर यहाँ पे पकड़िए ऐसे, देखिए ये देखिए दोस्तों पंपिंग भी प्रॉपर कर रहा है। ठीक है, देखिए मतलब कंप्रेसर ओके है हमारा, सिर्फ हमको यही बदलना है। और ये दोस्तों ज़्यादा गाड़ी चलने की वजह से ही ये पूरा टूट गया है, देख रहे हैं, ये देखिए पूरा प्लेट प्लेट टूट गया है। चलिए इसको हम लोग क्लच सेट इसमें चेंज करेंगे, बाकी जो डिटेल है ए टू जेड हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो दोस्तों क्लच सेट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये मैग्नेट कॉइल है, ये हमारा इसका पुल्ली हो गया, और ये इसका ऊपर का प्लेट हो गया। ठीक, ये हम लोग कंप्लीट ये ओरिजिनल लगा रहे हैं दोस्तों, बहुत लगाना बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, सीधा सीधा जगह देख के आपको बिठा देना होता है। देखिए ये बैठ गया, इसके बाद इसका लॉक बिठा देंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा लॉक बैठ गया दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये लगा देना है। देखिए इसको मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, और ये फ्री बैठ जाता है, देखिए दोस्तों
बहुत अभी मैं निकाल रहा हूँ तो पूरा पुलर से निकालना पड़ा है, बट ये आराम से इजीली निकल जाता है। ये लग गया, अभी इसका लॉक हम लोग लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद दोस्तों देख लीजिए कंप्लीट हो गया है और ये हमारा प्लेट यहाँ पे लग जाता है, ठीक। बट ये प्लेट डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा, इसके अंदर ये वाशर लगेंगे। ये देखिए तीन वाशर है इसका, देखिए। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिए कंप्लीट हो गया है, बोल्ट है इसका टाइट, हम लोग को अब कर लेना अच्छे से इस मिट्टी को। तो काफ़ी ऊंचा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। बैटरी का चार्ज दोस्तों ये देख लीजिए, ये मेरा पूरा फ्री घूम रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक ही वाशर लगाया गया है मोटा वाला, क्योंकि ये दूसरा वाशर लगा रहा था तो ये क्लच इंगेज ठीक से नहीं हो रहा था। अभी देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए अभी रुक जाओ बस, ये देखिए अभी प्रॉपर इंगेजिंग का आवाज़ भी कर रहा है ठीक से और कनेक्ट भी हो रहा है। ये घुमाओ, पुली घुमाओ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जाम हो गया, जैसे छोड़ दिए बराबर हो गया। लीजिए हमने कंप्लीट कंप्रेसर फिट कर दिया है, 4 वोल्ट पे कंप्रेसर रहता है। वह तो आगे से बम्पर वम्पर नहीं खोला गया था इसलिए नीचे से निकाल दिया, और ये दो पाइप देख रहे हैं आप, सेक्शन और डिस्चार्ज। इसके बाद दोस्तों ये बेल्ट हमारा जो था वो ख़राब हो गया था, तो बेल्ट इसका 976 मतलब 976 PS का बेल्ट है और हमने यहाँ पर कम्प्लीट फिटिंग कर दिया है बेल्ट को भी। ज़्यादा इसमें पुल्ली उल्ली नहीं रहता है, एक अल्टरनेटर और इंजन का और बाकी कंप्रेसर एक एडजस्टर रहता है, बस इतना ही रहता है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर कम्प्लीट फिट हो गया, चलिए नाइट्रोजन गाड़ी के अंदर अब डालते हैं। देख लीजिए हमने यहाँ पे 250.2 प्रेशर डाल दिया है, नाइट्रोजन कंप्लीट भरा गया है गाड़ी के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लीक चेक कर लेंगे और इसमें तकरीबन 15-20 मिनट वेट कर लेंगे कि लीक उक नहीं है, वैसे लीक होगा नहीं। तो चलिए पहले लीक मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये देख लीजिए हमने दोनों पाइप पर अच्छे से शैम्पू और पानी डाल दिया है, वैसे लीक नहीं है दोस्तों। तो इसको थोड़ी देर वेट हम लोग प्रेशर को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग गैस रिफिलिंग जो भी करना रहेगा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए मैंने जितना प्रेशर डाला था वहीं का वहीं, ये तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इस प्रेशर को निकाल देते हैं और इसमें हम लोग गैस रिफिलिंग कर देंगे दोस्तों। तो गाड़ी हम लोग अब स्टार्ट कर लेंगे, और पहले तो बेल्ट इतना जाम हो गया था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, गाड़ी हमारे पास खिंचवा का आई है दोस्तों। अभी मान के चलिए अभी तो नहीं दिक्कत रहेगा, अभी तो स्टार्ट हो गया गाड़ी कंप्लीट, न्यूट्रल है हमारा, हम लोग ऑन कर दिए हैं। ये एसी हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों, हवा का फ्लो आ रहा है प्रॉपर, हवा का कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब गैस इसमें रिफिलिंग हम लोग करते हैं दोस्तों। इसमें सब कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है आवाज़ थोड़ा बहुत डाउन हो लेकिन माइक नहीं लगा क्योंकि माइक गैप हो गया दोस्तों, माइक दूसरा मंगाए हम लोग। अभी हम लोग इसमें गैस रिफिलिंग कर रहे हैं, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कुछ स्टार्ट हुआ था, फ्यूज भी उड़ा हो, तो फ्यूज अभी हम लोग चेक करेंगे, ऐसा मुझे सुधार मिला है। रोक लेते हैं, उसके बाद इसका फ्यूज पहले मैं चेक कर लेता हूँ एक बार दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने फ्यूज सब चेक किया है, तो इसमें ये 20 एम्पियर का जो फ्यूज दिख रहा है यही इसका एसी वाला है, क्योंकि देखिए एक साइड बता रहा है एक साइड नहीं बता रहा है, तो मतलब ये फ्यूज उड़ा है। तो हम लोग इस फ्यूज को दूसरा लगाएंगे या फिर देखते हैं इसी को काम करते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला फ्यूज मिलता नहीं है जल्दी अपने पास दोस्तों। ये देख लीजिए तक फ्यूज था नहीं, तो 20 एम्पियर का ही जितना तार मैंने लगा दिया यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना करे। और ये मैंने जैसे ही फ्यूज लगाया कंप्रेसर मेरा ऑन हो चुका है, पूरा रिफिलिंग कर दूंगा दोस्तों। वैसे थोड़ा बहुत गैस चला ही गया था, थोड़ा सा ही बचा था इसमें, जो कि अब कंप्रेसर ऑन हो गया है, पाइप मेरा सील करने लगा, मतलब कंप्रेसर ठीक से वर्क करने लगा दोस्तों। धूप बहुत है आज,
दोस्तों ये देख लीजिए टेम्परेचर 34 के आसपास है बाहर का और धूप आज बहुत तेज है। वैसे कंटिन्यू बारिश ही इधर हो रहा है दोस्तों, अभी क्या है थोड़ा आज बहुत तेज धूप हुआ है। तो देखिए दोस्तों ब्लोअर मोटर मेरा 2 स्पीड पे है और टेम्परेचर तकरीबन 7 के आसपास आ चुका है, ठीक है, और ये कम होगा, 1 पे हम लोग करेंगे तो तकरीबन 4 या 5 तक जाएगा, क्योंकि आपको पता ही फोर्ड में कूलिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो 7.1 ये हमारा टेम्परेचर है, ये देख लीजिए दोस्तों कूलिंग मतलब बढ़िया है, क्योंकि कंप्रेसर ओके था, क्लची सेट खराब था, और ये देखिए हमारा तकरीबन 30 पे है इसका लो प्रेशर, तो कंप्रेसर मेरा ओके है। मतलब इससे आपको लग सकता है दोस्तों कि कंप्रेसर हमेशा नहीं खराब होता है, क्लच सेट खराब होने की वजह से भी कंप्रेसर वर्क नहीं करता, जैसे इस गाड़ी में हुआ था। तो चलिए इस गाड़ी को यहीं पर वीडियो रोकते हैं, वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक पे।